अच्छा बंद झालं होतं का ते? ठीक आहे. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट इन द प्लांट. तो मैंने पहले ही बोला था कि प्लांट के अंदर ऑर्गन सिस्टम होती है क्या? नहीं, टिश्यू सिस्टम होती है. तो टिश्यू सिस्टम में देखो कितने टाइप के टिश्यू सिस्टम होती है इन प्लांट. कौन से टिश्यू सिस्टम रहेंगी? फर्स्ट इज एपिडर्मल, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. सेकंड इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. और थर्ड वन इज वास्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, वास्क्यूलर. ठीक. तो अभी देखो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर, अभी ये टिश्यू सिस्टम के अंदर जितने भी सेल्स रहेंगे वो सारे सेल्स कैसे? परमानेंट, परमानेंट वाले सेल है, डिवीजन नहीं करेंगे. एक एक रोल दे दिया है, वो अपना अपना काम करेंगे. तो जैसे कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का काम क्या है? कवरिंग. प्लांट बॉडी को क्या करना है? कवर करना है. तो क्या कर रहा है ये? कवरिंग, कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी. तो जो भी प्लांट की बॉडी होंगी वो सारी कवर्ड होंगी किससे? एपिडर्मल टिश्यू से. उसके बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का काम क्या है? यहाँ पे फिलिंग, क्योंकि अभी देखेंगे हम एपिडर्मिल और बीच में क्या प्रेजेंट होता है? पिथ. तो बीच में जो इतनी बड़ी गैप होती है वो गैप किससे फिल्ड होंगी? ग्राउंड एपिडर्म, सॉरी ग्राउंड टिश्यू, नहीं नहीं एक मिनट, ग्राउंड के अंदर वो ग्राउंड क्या था? ग्राउंड परमानेंट टिश्यू. ग्राउंड वाला क्या था? सिंपल परमानेंट टिश्यू थे ना वो, ग्राउंड वाले सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू से पूरी जो गैप है वो क्या करनी है? भरनी है. तो इसका फंक्शन क्या है? फिलिंग. ठीक, फिलिंग दी प्लांट बॉडी गैप. ठीक है, गैप प्रेजेंट इन प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी के अंदर जो भी गैप है वो सारी किससे फिल होती है? ग्राउंड टिश्यू से होती है. तो ग्राउंड टिश्यू के अंदर कौन से आते हैं? फर्स्ट इज कौन से देखे हमने? पेरेन्काइमा. इसका हमने फंक्शन भी देख लिया. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा? स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस एंड सेक्रेशन. कैसे होता है सेल? आइसोडायमेट्रिक. और सेल वॉल कैसी रहती है? थिन विथ इंटर सेलुलर स्पेस, लेस इंटर और लिटिल इंटर सेलुलर स्पेस. उसके बाद पेरेन्काइमा के बाद कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमा कैसे होते हैं? हेक्सागोनल विथ थिक सेल वॉल एट द कॉर्नर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पेक्टीन, सेलुलोज एंड पेक्टीन. ठीक. और ये क्या है? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू. तीसरा कौन सा बताया था? स्क्लेरेनकाइमा. तो ये टिश्यू सिस्टम हमने डिस्कस कर ली. ग्राउंड कंप्लीट हो गया हमारा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. उसके बाद वास्क्यूलर टिश्यू के अंदर इसका काम क्या है? कंडक्शन ऑफ. वास्कुलर टिश्यू का काम क्या है? कंडक्शन ऑफ. किसका कंडक्शन? वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, सॉइल टू डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है. और ये किसके थ्रू होता है? वाया. किसके थ्रू? थ्रू झाइलम. ठीक. और उसके बाद सेकंड, कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स थ्रू, किसके हेल्प से? थ्रू फ्लोएम. तो हमने कल ही देख लिया जाइलम एंड फ्लोएम. तो जाइलम एंड फ्लोएम इज द पार्ट ऑफ वास्क्यूलर टिश्यू सिस्टम. समझ में आ रहा है? तो वास्क्यूलर टिश्यू सिस्टम मतलब जाइलम एंड फ्लोएम. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मतलब पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. अभी देखो यहाँ पे जो ये जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो जब प्लांट ग्रो होता है तो इनिशियल स्टेज में जो जाइलम बनता है वो होता है प्रोटोजाइलम. कौन सा बनेगा? प्रोटोजाइलम. तो देखो जाइलम जो इनिशियल स्टेज में बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोजाइलम. और जो बाद में बनेगा उसको क्या बोलेंगे? मेटाजाइलम. प्रोटोजाइलम मतलब इनिशियल स्टेज में, अर्ली इन लाइफ. कब अपियर होगा ये? अर्ली इन लाइफ, मतलब जो प्लांट की लाइफ है उसमें अर्ली. और ये कब फॉर्म होगा? फॉर्म लेटर, बाद में तैयार होगा. तो जो आपका जाइलम है, जाइलम के अंदर हम कंसिडर करते हैं वेसल्स को. जाइलम के अंदर हम क्या कंसिडर करेंगे? वेसल्स. तो ये जनरली कैसे रहेंगे? छोटे छोटे रहेंगे.
मैं सर्कल निकल रही हूँ, मतलब ये है आपका वेसल, और यहाँ पे कैसे रहेंगे, बड़े रहेंगे ये, ठीक। तो अभी डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ प्रोटोजाइलम, अच्छे से समझना, डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ प्रोटोजाइलम दो तरीके की क्या होती है अरेंजमेंट। जाइलम किस तरीके से अरेंज होता है, टू टाइप्स। तो जाइलम की अरेंजमेंट होती है दो टाइप की, फर्स्ट इज एक्सार्च एंड सेकंड इज एंडार्च। एक्सार्च और एंडार्च, एक्स मतलब बाहर, एक्स मतलब बाहर, तो प्रोटोजाइलम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बाहर की तरफ, ठीक। तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सार्च। और एंडार्च मतलब इन, प्रोटोजाइलम इनसाइड, तो उसको बोलेंगे इंडार्च, ठीक। तो सपोज कंसिडर करते हैं हमारी ये एक कैम्बियम रिंग है, अभी ये क्या होता है ये आपको पता नहीं है, कंसिडर करो कि ये कैम्बियम रिंग है। तो जो प्रोटोजाइलम है ये एक्सार्च के केस में कहाँ पे प्रेजेंट है, बाहर, तो ये छोटा बड़ा और ये बड़ा, तो ये जो पोजीशन होगी इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सार्च। कहाँ पे प्रेजेंट है, बाहर, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, पिथ, सेंटर। ये क्या है, सेंटर, ये सेंटर का पार्ट है स्टेम का, और ये जो प्रोटोजाइलम है ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, आउटसाइड। तो व्हाट इज एक्सार्च, प्रोटोजाइलम, बस एक का ही ध्यान में रखना, मेटा का नहीं, प्रोटोजाइलम के बेसिस पे ही होता है। तो प्रोटोजाइलम कहाँ पे, यहाँ पे प्रोटोजाइलम एट पेरिफेरी, पेरिफेरल, पेरिफेरल ध्यान में रखना है, प्रोटोजाइलम प्रेजेंट पेरिफेरल, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सार्च। और अभी एंडार्च मतलब सपोज दिस इज पिट, दिस इज पिथ, ठीक। और प्रोटोजाइलम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पिट, प्रोटोजाइलम इनसाइड। इस तरीके की कंडीशन यदि है तो इसको क्या बोलेंगे, एंडार्च। इन मतलब अंदर, अंदर की तरफ है, और ये आपकी क्या थी, दिस इज कैम्बियम रिंग। समझ में आ रहा है क्या, तो बस इतना ध्यान में रखो प्रोटोजाइलम कहाँ पे प्रेजेंट है, इनसाइड, इनसाइड प्रोटोजाइलम। और प्रोटोजाइलम यदि अंदर है तो मेटाजाइलम कहाँ पे होगा, बाहर, ठीक। लेकिन कन्फ्यूजन हो सकता है, तो क्या ध्यान में रखना है, पोजिशन ऑफ प्रोटोजाइलम, ये जो भी एक्सार्च एंड एंडार्च है किसके बेसिस पे, ये पोजिशन, पोजिशन ऑफ प्रोटोजाइलम ओनली, प्रोटोजाइलम, पोजिशन ऑफ प्रोटोजाइलम के बेसिस पे एक्सार्च एंड एंडार्च। तो देखो ये जो टाइप की अरेंजमेंट होती है, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट जनरली ऑब्जर्व इन केस ऑफ रूट्स, जितने भी प्लांट्स के रूट्स है, रूट्स के अंदर सारे प्रोटोजाइलम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, आउटसाइड, ठीक। तो एक्सार्च कंडीशन कहाँ पे मिलती है, रूट्स के अंदर, और एंडार्च कंडीशन कहाँ पे मिलती है, स्टेम। एंडार्च कंडीशन कहाँ पे मिलेंगी, स्टेम। तो जितने भी हमारे प्लांट की जो बॉडी होंगी, रूट्स मतलब कोई भी प्लांट्स ले लो, कोई भी प्लांट के जो रूट्स है उसमें आपको आपके जो ये प्रोटोजाइलम होंगे, ये प्रोटोजाइलम कैसे अरेंज होंगे, प्रोटोजाइलम आउटसाइड, और इन केस ऑफ स्टेम प्रोटोजाइलम इनसाइड। तो एक्सार्च एंड एंडार्च समझ में आया, व्हाट इज एक्सार्च एंड एंडार्च, द पोजिशन ऑफ, किसकी पोजिशन है, प्रोटोजाइलम, या हम ऐसे बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ जाइलम, अरेंजमेंट ऑफ जाइलम को क्या बोलेंगे, एक्सार्च एंड एंडार्च। तो प्रोटोजाइलम यदि बाहर है तो एक्सार्च, अंदर है तो एंडार्च। एक्सार्च, एक्सार्च ऑब्जर्व इन केस ऑफ रूट्स और एंडार्च स्टेम, ठीक। तो जैसे ही जाइलम होगा वैसे भी तो फ्लोएम भी होगा, फ्लोएम भी ऐसे होगा, प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम, लेकिन उसके बेसिस पे कोई एक्सार्च एंड एंडार्च अरेंजमेंट नहीं होती है, बस इतना ध्यान में रखो। एक्सार्च एंड एंडार्च कंडीशन इज ओनली किसका है, ये जाइलम। लेकिन फ्लोएम के केस में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इनिशियल डेज में जो फ्लोएम बनेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोफ्लोएम। जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, प्रोटोजाइलम, तो वो क्या रहेगा, प्रोटोफाइलम, सॉरी फ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम, और जो बाद में बनेगा वो क्या रहेगा, मेटाफ्लोएम। तो प्रोटोफ्लोएम के केस में नॉर्मली फ्लोएम में क्या क्या होता है, फ्लोएम में सीट्यूब एलिमेंट, देन कंपेनियन सेल, उसके बाद फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा, नॉर्मल केस में। तो प्राइमरी जब स्टार्टिंग में जो आपका प्रोटो फ्लोएम बनेगा उसमें फाइबर्स नहीं रहेंगे, इनिशियल प्लांट बॉडी में जब प्रोटोफाइलम बनेगा तो उसमें क्या नहीं रहेंगे, फाइबर्स नहीं रहेंगे, और फाइबर किस में इनकॉर्पोरेट होंगे, इनटू द मेटाफ्लोएम। समझ में आया, समझ में आया,
डिफरेंस समझ में आया? जाइलम के अरेंजमेंट पे क्या है, एक्सार्च एंड एंडार्च, ठीक। उसके बाद फ्लोएम के बेसिस पे है क्या एक्सार्च एंडार्च? नहीं, लेकिन फ्लोएम जब इनिशियल स्टेज में बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटो फ्लोएम। बट दिस प्रोटो फ्लोएम इज विदाउट फाइबर्स। कौन से फाइबर? फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट इन मेटा फ्लोएम, प्रेजेंट इन मेटा फ्लोएम, ठीक, क्लियर। तो ये है आपका टिश्यू सिस्टम। तो यहाँ पे जो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो थोड़ी लंबी है, जो हम कल के क्लास में देखेंगे।